दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार हर किसी की जिंदगी में बहुत मायने रखता है और इसका एहसास भी अद्भुत होता है। तभी तो प्यार करने वालों को प्यार से जुड़ी हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए कुछ लोग तो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को ठुकरा देते हैं। यहाँ तक कि जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। किंतु अक्सर देखा जाता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड या पार्टनर से कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, किंतु वह अपने मन की कुछ बातों और कुछ इच्छाओं को उसके सामने कभी भी खुलकर नहीं बता पाती। लेकिन काफी बातों को इशारों ही इशारों में बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन काफी लड़के ऐसे होते हैं जो उनके इशारों को समझ ही नहीं पाते या उन्हें अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते प्यार होने के उपरांत भी वे अपनी प्रेमिका के साथ प्यार का आनंद नहीं ले पाते। चलो बताते हैं कि आखिर लड़कियां जिस लड़के को चाहती हैं या जिससे प्यार करती हैं उसे क्या चाहती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों जब एक लड़का और लड़की प्यार में होते हैं तो वे एक दूसरे के पास जाने की या एक हो जाने की कोशिश करते हैं। किंतु जब लड़का सीधा और सरल होता है तो वह लड़की के पास जल्दी नहीं जा पाता, किंतु लड़की चाहती है कि लड़का उनके पास आए। लेकिन लड़की की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो फिर भी वह कुछ खुलकर नहीं कहती, बस आंखों से ही इशारा करती है या कुछ शरारतों और अपनी बॉडी लैंग्वेज से लड़के को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करती है या अपनी इच्छा बताने की कोशिश करती है। क्योंकि प्यार में जिस तरह से लड़के अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने की इच्छा रखते हैं, उसी तरह से लड़कियां और स्त्रियां भी अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं, जिन्हें वे एक लड़के से प्यार करने के बाद उसके साथ पूरे करना चाहती हैं। और वैसे भी लड़कियां किसी लड़के को बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बनाती ताकि उसके साथ बैठकर तपस्या करें। सेकंड नंबर, दोस्तों प्यार करने वाली हर एक लड़की अपनी लव लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहती है, किंतु लड़कियों के स्वभाव में लज्जा झिझक और संकोच कुछ ज्यादा ही होता है, जिसके चलते वे अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पाती। किंतु जब एक लड़की आपसे अपनी हर एक पर्सनल बात शेयर करने लगे, आपको अपना दुख और समस्याएं भी बताने लगे, यहाँ तक कि जब वह आप पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब वह आपके साथ शारीरिक रिश्ता भी बनाना चाहती है। थर्ड नंबर, दोस्तों यदि कोई लड़की आपकी फ्रेंड है या किसी लड़की से केवल आपकी बातचीत होती है और आप उसके साथ हमेशा रिश्ते को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या वह आपको एक अच्छा दोस्त मानती है या फिर प्यार करती है, लेकिन आप उससे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। किंतु जब कभी आप परेशान होते हैं या फिर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, तो यदि वह आपकी समस्या को अपनी समस्या समझती है और आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है या आपको परेशान देखकर दुखी हो जाती है, तो निश्चित रूप से वह आपसे प्यार करती है और आपसे हर तरह का प्यार चाहती है। फोर्थ नंबर, दोस्तों जब एक लड़की अपने घर पर अकेली होती है और आपको फोन करके बताने की कोशिश करती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, यानी कि हमारे घर पर कोई नहीं है, तो उसका संकेत रहता है कि आज आप हमारे घर पर आ सकते हैं। अब लड़की ने तो अपना संकेत दे दिया, किंतु आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। और वैसे भी लड़कियां इससे बड़ा संकेत और क्या दे सकती हैं, या फिर लड़की कहीं अकेली जाने के लिए तैयार होती है और आपको फोन करके बता देती है कि मैं अकेली घर से निकली हूँ और हमें इस जगह पर जाना है, तो यह भी संकेत आपको पास बुलाने का ही होता है, आप उससे जाकर मिलें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।